सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर, इंडियन व्लॉग और गौरव पर। मैं आपका अपना गौरव। तो शुरू करते हैं एक नए व्लॉग को। आप सभी को गुड मॉर्निंग और सुबह की राम राम, जय बजरंग बली, जय माता दी। अभी बस सुबह हो चुकी है और आज तो ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि आज लगता नहीं कि सूरज निकल पाएगा और बादल से हो रही है बहुत ज़्यादा। अदिति उठ चुकी है, मेरा बैग जो है तकरीबन सूख ही चुका है, थोड़ा सा गीला है, वो हो जाएगा धीरे धीरे। अभी बाहर चलते हैं। और ऊपर तो जाल पता ही ढक रखा है क्योंकि नीचे ओस वगैरह ना आए। अदिति अभी देखिए खाना बना रही है, अभी इधर ही होगी, हाथ धोने गई। ये देखो मौसम, मौसम कितना गंदा हो रहा है। हल्की हल्की धुंध सी है पर बादल है आज। चलिए अंदर चलते हैं अपनी गुड्डू रानी के पास। पापा यहाँ सेकने लग रहे, हेलो। वर्ष है रिवर्स स्कूल में जाने की तैयारी। और ये हंसी हंसी, हाँ 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 बाबू, सोनी उठगी, उठगा बाबू, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जल्दी मॉम को बोलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलो मॉम को। देखो मम्मी मैं उठ गया, मम्मी मैं उठ गया, उठ गया उठ गया उठ गया। सोनी, रात ये बैलून ना इसके लिए यहाँ पर लगाया था मैंने, और पापी बता रहे हैं रात किस तो करी बाबू जी। रात को उतरवा के माननी है। रो लग रही थी, रो लग रही सर रात में। उतरते ही फिर चुप हो गई थी। फिर उतारना ही पड़ा इसे। रोता है सोनी, सोना रोता है बाबू, है गुड्डो। उठ गई थी यार, फिलहाल मेरे चलने का टाइम होगा ना। मैं ये आ गई। हाँ भाई, क्या तैयारी है जवान? हैप्पी न्यू ईयर आज फिर। अजी वाह, क्या बात है, मौज कर दी। इन्होंने वॉशिंग मशीन निकाल ली है नई। मम्मी पता नहीं बाहर से कहाँ से आई, कहाँ जा रही थी मम्मी जी। अच्छा वॉशिंग मशीन निकाल लिया भाई, अच्छा सही है भाई। जैसे अभी सामान इसके अंदर ही पड़ा है सब कुछ, वॉशिंग मशीन। हाँ ये उठेगा ना, ये उठेगा, वो तो मेरे से पूछ लेते। बढ़िया भाई, वॉशिंग मशीन तो बढ़िया लग रही। देखो सो रही है अभी तो, निलाया है नत्थे के साथ सोगी। काजल लगवा के, तिलक लगवा के, देखो कितनी सुंदर लग रही है वैशु। क्यूट डॉल लग रही है वैशु तो। मैं से कंबल में लेके बैठ गई हूँ। अब इसकी कैप इसलिए नहीं लगाई क्योंकि अभी बाल गिल्ले हैं, थोड़े सूख जाएंगे जब लगाऊंगी। रखी है इसकी कैप और ग्लव्स, कैप लेकर आई हूँ, इसके ग्लव्स भी लेकर आई कि थोड़ी देर में लगा दूंगी। अभी सो रही है वैसे तो। बाबूशा सोना बच्चा। हेलो गाइस, शाम के 6:30 बज चुके हैं और खाने की तैयारी हो गई है। खाने में आज आलू बैंगन बनाए हैं और आलू बैंगन के साथ साथ आज मैं सौंफ वाली खिचड़ी भी बनाऊंगी पहली बार। यह कैसी लगती है? घर तो कई बार बनाई मैंने गांव में तो, पर यहाँ पे पहली बार बना रही, देखती हूँ कैसी लगती है। यहाँ मम्मी पापा जी को, दीदी को और अन्ना को उसमें सौंफ बताऊँगी कैसे बनती है वो खिचड़ी। उसमें सौंफ 2-3 कली लहसुन की, अदरक डलता है, बाकी और कुछ नहीं डलता है। और जब तैयार हो जाओगी तब दिखाऊंगी मैं आपको कैसी लगी है वो, बनी किस तरह बनी है। खाने में तो आज आलू बैंगन बनाए, आलू बैंगन तो बन गए। और ये सौंफ वाली खिचड़ी का पेस्ट मैंने बना के रख दिया है। इसमें सौंफ है, लहसुन की कली है, अदरक है और इधर चावल भिगो दिए। अब पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, पूजा करने के बाद खिचड़ी बना दूंगी। ठीक है गाइज, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय बाय। तैयार होने के बाद दिखाऊंगी और जब तैयार हो जाएगी खाने वालों से पूछूंगी मम्मी पापा दीदी और अर्णव जी से कैसी लगी, फिर आपको बताऊंगी। पूजा मैंने कर ली है। आज तो पूरा दिन का मौसम ऐसे ही रहा, बस गंदे वाला, धूप ही नहीं निकली बिल्कुल भी, पता ही नहीं चला कब सुबह हो यार कब शाम होगी। अभी मम्मी जी
सब्जी लेकर आई बाहर से ही ली, आज मार्केट से नहीं लेकर आई मम्मी जी, क्योंकि मौसम ऐसे ही और दाढ़ खराब था तो मार्केट तो गया ही नहीं, गया यहाँ से लिया, अभी धुल के फ्रिज में रखी जाएगी। ये तो मेथी है, भुज्जी बनाई है, पराठे, और ये फूल गोभी, हरे धनी, और ये है मटर, मटर अब खिचड़ी में भी डल जाएगी और कल सब्जी में बन जाएगी। लेकर आई मटर के बिना तो सब्जी कोई अच्छी भी नहीं लगती, सारी चीज़ों में मटर डलती है, इसलिए मटर आज खत्म हो रही थी तो सब्जी वाले का वेट कर रहे थे कब सब्जी वाला होगा। खिचड़ी तो तारी में तो मटर जरूर चाहिए, सर्दी की तारी में तो मटर ही अच्छे लगे। और पूजा भी कर ली, बस अब तो खिचड़ी बनाऊंगी, आलू बैंगन भी बनी सब्जी में, जो आलू बैंगन और रोटी खाओगे रोटी खा ले और खिचड़ी खाओगे खिचड़ी, दोनों चीज़ बन गई। भाई खिचड़ी की तैयारी हो गई है, इधर कुकर रख दिया, इसमें ऑयल डालूंगी अब, और ये वही है पेस्ट जो भी बताया था, ये मटर आलू है, इसमें रिफाइंड है। चलो छोक देते हैं, बनने के बाद दिखाऊंगी कैसी बनी और खाने वाले बताएंगे कि खाने में कैसी बनी। इस वाली खिचड़ी का अर्णव जी को सरप्राइज़ दिया जाएगा, उन्हें पता नहीं कि आज मैं सौंफ वाली खिचड़ी बना रही हूँ, वे बहुत दिनों से बोल रहे कि अदो सौंफ वाली खिचड़ी बनाना, आज उन्हें यही पता कि बस आज खाने में आलू बैंगन बनाए, खिचड़ी नहीं बनाई। जब आवागे चौक जाएंगे अर्णव जी एकदम से, उन्हें कहेंगे झूठ बोलती है दुखी बच्ची। तो गाइस खिचड़ी मैंने चौक दी है, अब बन जाएगी 5 मिनट में। इटली को पिज्जा में आए थे हम, ये मेरे दोस्त जो साथ में जाता है, और ये मैं, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था जब से मतलब कि फोन दिया था ना, तब से कैमरा कंपला ख़राब हुआ, कैमरा का बनाने के लिए वीडियो ऑर्डर दे दिया है भाई को, वहाँ पर ऑर्डर पैक होने लग रहा है अभी मेरा। तू भी खाएगा क्या? ये हमारी साइकिल हाई डिलीवरी भाई। भाई साहब पिज्जा मिल गया, ऐप चल रहा है, ले भैया। जो अब तक साथ जाने वाला हम सब। अर्णव जी ने देखो अत्ते के साथ आज आए, अत्ते के साथ सबसे पहले अपनी गाड़ी अंदर करी, क्योंकि रोज ऐसा करे आके अंदर चले जा फिर कंबल में घुस जा, सर्दी हो ही रहे, निकलने का मन नहीं करता, फिर पापा मम्मी बोलते रहे भाई गाड़ी अंदर कर ले गाड़ी अंदर कर ले। आज अत्ते के साथ पानी भी नहीं पिया, पहले गाड़ी अंदर ही करी। और विशु भी आ रहा, देखो विशु के साथ बात कर रहे हैं। दोस्तों मैं घर आ चुका हूँ, बुरा हो जा भाई, सर्दी इतनी हो रही है ना बेहद, और अदिति खाना बनाने लग रही है। ये देखो मैं ले आया हूँ पिज्जा गरम गरम, भाई साहब वाह, अदिति वाह भाई, खाओगी? नहीं मेरा बंद है, इसीलिए समझाना पड़ेगा बंद है। जैसे लोमड़ी बोलती है अंगूर के, अंगूर का हाथी कहते हैं ना, तो लोमड़ी बोलता है अंगूर खट्टे हैं, इसलिए मैं बोल दूंगी पिज्जा अच्छा नहीं है, पिज्जा मुझे पसंद नहीं है। मम्मी क्या कर रही जी? नींबू, नींबू की रख रखे साथ में, ये नींबू पहले रखे। अभी आने की बाबू, छोटी बाबू अभी आएगी, पराठे बनेंगे। ये तो उठ रही, ए डेडो हाँ तू तो उठ रही। मामू आ गए रे बाबू सोनी बाबू, भाई कटे नहीं गए जी टंके? तेरू नहीं गया था, चल टंके टुकड़ा काम में मुन्नू गया। मनी नहीं मम्मी अभी कटवा लो, तो सही है, वही कटवा को। सोना थोड़ा सा, ये क्या खाओगी तू? क्या खाओगी? दूर से पाई लागो। अपने बाबू के लिए कुछ लेकर आया? परमर से के लिए लेकर आया या दीदी? देखो टॉप ऑर्डर है ठंड से बचने के लिए, और चलो कल नहीं बना सकते ना कल, क्योंकि कल के दिन हमारे जो बाबा जी थे वो गुजर गए थे ना, उस वजह से हम नए साल में इतना कुछ वो नहीं करते। छोटी सी तो जगरी देखिए, पिज़्ज़ा
हम दोनों का पहला ही है और सबका तो हमेशा यही बने हाँ दोनों का ही हाँ पहले तरीका का बनावे एक ही लाया क्या दो डब्बे लाया पता नहीं क्यों हमारा टीवी वैसे तो बहुत अच्छा चलेगा पर जब इसके सामने तो झिक झिक होता रहे हाँ ऐसे ही ऐसे हुए पापा जी अपनी दीदी को मना रहा अच्छा वर्षा गुस्सा थी ना है दीदी का फेवरेट है ना इसीलिए पिज़्ज़ा और पता नहीं कमेंट में यूँ क्या बोलते नहीं ये बोल के दिखा दे तू वर्षा बोल के दिखाइए तू बोल के दिखा मुंह भैया वही बिल्कुल सही दोनों का ना बोलते ऐसा पता ऐसा घुट्टी किसने दे रखी इसकी दादी ने गुस्सा ऐसे करे करती मैं ज्यादा अगर गुस्सा करती थी तो बोल देती ओए हाय मेरी बहन है मेरी की मम्मी का अब मेरी जान है तू मेरा बाबू ओ भैया पिज्जा खा लिया पिज्जा खा लिया ओ भैया पिज्जा खाओगी बस हमें तो एक पीस दे दियो भाई हमें तो एक पीस दे दियो पिज़्ज़ा 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 खावेंगे थैंक यू आप मेरे लिए पिज़्ज़ा लेके आए थैंक यू पिज़्ज़ा खावेंगे इसका पानी आ गया ओ भैया गुब्बारा देख टांग था जब देखता बाय खा लो आप पिज्जा खा लो तो दोस्तों अभी आज हमारा नया साल बन रहा है नए साल की प्रोग्राम चल रहा है देखो तुम्हारा तो बंद है एक नहीं दही मुझे दोस्त में से ठीक है लो एक मम्मी को दो भाई नहीं किट्टू का भी है पूरा लेगी पूरा लेगी ले ले लो खा लेगी वाह भाई।